keep you. देख रहे हैं द न्यूज़ 11। तो आज हम आपको दिखाते हैं, इस वक्त हम खड़े पटना साइंस कॉलेज के रूट में हैं। और तो और पटना साइंस कॉलेज के रूट इस तरीके से इस रोड से जाता है, और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पुल जो है, ये पुल, इस पुल का पटना में जो जाने माने में से है, जो पहली बार निर्माण हो रहा है, उसका नाम है डबल डेकर। तो डबल डेकर पुल आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप लोग तमाम लोग इस रास्ते से गुजर सकेंगे बहुत आसान तरीके से। बार बार आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप पटना साइंस कॉलेज के पास जा सकते हैं, जो कि रैंप का तैयार हो जाएगा। इस रूट से इधर जाने के लिए आपको रैंप का सुविधा दिया जाएगा। और अगर हम दिखाएं अभी ये रूट जो जा रहा है NIT घाट की ओर जा रहा है, NIT कॉलेज की ओर जा रहा है, तो ये रूट जा कर के मिलाएगा डबल डेकर पुल। एकदम खुशी पूर्वक आप अपने कॉलेज NIT कॉलेज में प्रस्थान कर सकेंगे और NIT से पटना साइंस कॉलेज के लिए प्रस्थान कर सकेंगे। और जो भी लोग PMCH के लिए जाएंगे उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आप खुश हो जाइए पटना में पहली बार डबल डेकर पुल के निर्माण से। कि असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ये पुल यहाँ तक पहुँच चुका है और आगे के लिए निर्माण अधीन है, लेकिन कुछ महीनों में आपको जुड़ता हुआ नज़र आएगा NIT कॉलेज तक। और भी मिलवाते हैं आपको, दिखाते हैं इसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या फुट है, पहले तले की, दूसरे तले की, क्या खूबसूरती है और कितना सुविधाजनक है। इस पुल के निर्माण हो जाने के बाद क्या सुविधा मिलेगा आपको? सुविधा तो बाद की चीज़ है, ठीक है, सुविधा तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर अभी इतना दिक्कत परेशानी है कि लोग पानी पटाते ना, जो देख रहे हैं कि गाड़ी जा रहा है, और इससे प्रदूषण इतना व्यवहारिक प्रदूषण इतना ख़राब हो रहा है कि लोग को यहाँ ये आधा घंटा 10 मिनट बैठना बहुत मुश्किल है। पुल जो निर्माण का ये कंपनी है, इसको ये सब पे बार बार हम लोग बोलते हैं कि पानी छिटिए, पानी दीजिए। देखिए जैसा कि आप रोड के तरफ की कितना इसका गर्दा, कितना ये हम लोग के घर में अगर आप जाइएगा तो हर 2 रोज़ 4 रोज़ पे 5 रोज़ पे इतना गर्दा निकलता है। और हम लोग बार बार कंपनी को, बार बार पुल निर्माण कंपनी को बोलते हैं कि आप लोग पानी का कम से कम व्यवस्था करवाइए, लोग पानी का छिटाव करते ही नहीं है, बस दिन में एक दो बार मार देते हैं, बोलते हो गया हो गया। अभी देखिए आपके सामने है कि किस तरीके से दोनों तरफ से गर्दा उड़ रहा है, आप ये देखिए इस पे, इसका वातावरण पे कैसा असर पड़ेगा। अगर हम लोग को रात में हम लोग को 2 बार 3 बार अगर हम लोग आ करके 1 घंटा कोई से काम से बैठते हैं, रोड ही काम आ हवा वाई का हम काम भी करते हैं, तो आके बैठते हैं उसके बाद हम लोग को 2 बार या 3 बार निहाना पड़ जाता है एकदम। ठीक है, ये बन रहा है तो ये तो आरामदेह होगा ही होगा, बाद में तो इसका ये हम लोग को मिलेगा, हमारे बाल बच्चे को इसका ये मिलेगा सुविधा, मगर अभी जो परेशानी हो रहा है इतना ज़्यादा परेशानी है कि घर वगैरह सब हम लोग का एकदम गंदा एकदम हो रहा है। मत आपके घर को देखिए, हाँ। किस तरीके से धूल बैठा हुआ, हाँ। बोलना तो ज्यादा क्या, उससे ज्यादा तो आपको सामने नजर आवेगा जो सबके घर को देखिए। ये कि घर के तरफ एक बार कैमरा घुमा करके देखिए जरा, तो कितना धूल बैठ गया है। तो पुल निर्माण के साथ साथ जो है रोड पे भी पानी वानी का छिड़काव किया जाए, ताकि इस तरीके का धूल जो जमा हुआ है कितना लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समस्या से गुजरना पड़ेगा। तो थोड़ा ये सब पे भी ध्यान दिया जाए। पटना अशोक राजपथ से गुजरने वाला डबल डेकर पुल के दूसरे तले पर उपस्थित है, और ये दूसरे तले का नज़ारा आप देख रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है 47 फुट है, और जो ये इसका जो मीटर में है 2200 मीटर यानी 2200 मीटर में है। और तो और देखेंगे कि अगर किलोमीटर की बात की जाए तो इसका किलोमीटर में
2.20 है। तो ये डबल डेकर का किलोमीटर और फुट में ये सारा चीज़ है। और तो और अब हम इस दूसरे तल्ले से जो गुजरेंगे वो रैंप के सहारे हम लोग पटना साइंस कॉलेज के पास उतर सकेंगे और भी दूर निर्देशालय कॉलेज के पास भी पहुंच सकेंगे। ये दूसरे तल्ले का जो है ये निर्माण में लगा हुआ है, अभी निर्माण किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस डबल डेकर के पुल से गुजर रहे होंगे। तो अभी पटना अशोक राजपथ के डबल डेकर के दूसरे तल्ले पर देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं, उपस्थित हैं और यहाँ से अभी आगे निर्माण कार्य प्रगति पे है। अभी 43 पिलर नंबर हमें नज़र आ रहा है और ये आपको कुछ महीनों के बाद जुड़ता हुआ नज़र आएगा, निर्माण होता हुआ नज़र आएगा दूसरे तल्ले से। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि आपके साधन को मिलाने के लिए बिहार का पहला डबल डेकर पुल के पास हम खड़े हैं दूसरे तल्ले पे, जो आपको साधन से बहुत आसानी से मिलाती है, जो आपको समय अनुसार जाम से गुजरने को नहीं मिलेगा। बहुत ही आसानी से इस डबल डेकर पटना में पहली बार निर्माण दूसरे तल्ले पे जो हम खड़े हैं वहाँ से आप आसानी से गुजर सकेंगे और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकेंगे। इस वक्त हम अशोक राजपथ, पटना का अशोक राजपथ से गुजर रहे गांधी मैदान से आते हुए रैंप के नीचे जो आपको दिखा रहे हैं पटना कॉलेज विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे आके मिलता है। तो जिन लोगों को भी अभी ये पहले तल्ले के पास हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले तल्ले के पास हम खड़े हैं और आपको आगे भी दिखाएंगे पहले तल्ले का आगे का जो कैसे हम लोग गुजरेंगे और कैसे उतरेंगे पटना कॉलेज के पास, पटना के डबल डेकर पुल के अभी पहले तल्ले पर हम उपस्थित हैं। अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पटना के डबल डेकर जो पहली बार बिहार का पहली बार डबल डेकर पुल निर्माण जो आपको दिख रहा है, अभी पहले तल्ले के पास आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं। और पहले तल्ले का अगर फुट में बात की जाए, ऊंचाई में अगर इसकी बात की जाए तो इसकी 26 फुट है और अगर इसका किलोमीटर में बोला जाए तो 1.50 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं डेढ़ किलोमीटर के दूरी पर ये पूरा फैला हुआ है ये है। और तो और आपको बता दें कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है आने जाने के लिए। आपको मैं बताया कि इस रूट से जब हम लोग गुजरेंगे तो पटना विश्वविद्यालय से मिलेंगे, NIT कॉलेज से मिलेंगे, पटना साइंस कॉलेज से मिलेंगे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं डबल डेकर पुल जो पटना का पहली बार बिहार में पहली बार देखने को मिलेगा। अभी ये डबल डेकर पुल जो पहला तल्ला नज़र आ रहा है और वो दूसरा तल्ला नज़र आ रहा है, तो अभी इसके जस्ट निकट में हम भाई लोग से मिलेंगे। अभी ये जो भैया हैं, भैया से ये बताएंगे आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। तो नीरज कुमार जी, ये बताइएगा आप जरा, क्या सुविधा हो जाएगा इस पुल को निर्माण होने के बाद? जाम से तो पहले छुटकारा, सबसे पहले जाम से बहुत छुटकारा हो जाएगा, जाम से छुटकारा हो जाएगा। और भी किसी चीज़ का अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है तो किसी प्रकार का जाम से दिक्कत हो रहा है या धूल थोड़ा दक्कर? अभी थोड़ा धूल धक्कर से हो रहा है, धूल धक्कर उड़ रहा है, थोड़ा जाम ताम लग रहा है, लेकिन हाँ साल भर के अंदर ये फिर बन जाएगा तो फिर लाइव। क्या ये बताएंगे पुल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? NIT से लेकर गांधी मैदान तक, गांधी मैदान तक जाएगा। लोगों के लिए बहुत व्यवस्थापूर्ण, अच्छा सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, अच्छा से चलने फिरने में किसी को पब्लिक को दिक्कत नहीं होगा। इसके बिना लोग चढ़ नहीं पा रहे थे? चल रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहे हैं चलने चलने में। हाँ, इसे डबल टेकर बन गया है, उसके लिए ऊपर से गाड़ी मोटर है, नीचे से गांधी मैदान से आएगा तो यहाँ पटना को ले जाएंगे, जाम कम जाएगा। हाँ, जाम कम हो जाएंगे जी, बिल्कुल। तो मतलब बता रहे हैं कि इस डबल डेकर पुल के निर्माण होना हो जाने के बाद जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। चाचा इस बात बताएंगे, आप चला रहे हैं तो बताइए कि डबल डेकर पुल जो गुजर रहा है लोगों के लिए कितना बेहतर हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। हाँ,
तो आप तो खैर गुजरना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को तो खैर ऊपर नहीं चले पड़ेगा, नीचे चले पड़ेगा। नीचे चलिएगा लेकिन खाली रास्ता नजर आएगा ना। अब क्या नजर आएगा, जिसको जो वही रहेगा वही ना ऊपर जाएगा चार चक्का। लेकिन बेहतर हो जाएगा ना। इतना बड़ा देखिए बेली रोड बना, लेकिन फिर भी नीचे जाम ही रहता है, जाम रहे हैं। ये तो पुल बन रहा है जो डबल टेकर, वो तो अच्छा ही है सबके लिए। बाकी जो पहले से जो बरसात में गरीब लोग मर रहा था, वो तो पुल के वजह से गरीब लोग जी रहे हैं। अच्छा, और चलने में ठीक है, जाम नहीं लग पा। इस पुल के वजह से गरीब कैसे जी रहे हैं? अरे ये पुल के वजह से पानी पड़ता है तो गरीब सुतने में नहीं बनता है। पुल बना तो एक नीचे तो कम रिक्शा ठेला वाला सोएंगे ना। जी बिल्कुल।